गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए अपने खान पान का पूरा ध्यान जरूर रखें। आपका भोजन या आहार ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को ठंडा रखे, आसानी से पचे और आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करे। शुद्ध और सही आहार लेने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पाचन क्रिया बढ़िया होगी और दिमाग भी तेज दौड़ेगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में किस तरह का आहार लेने से आपका शरीर, स्वास्थ्य और मन प्रसन्न रहेगा। नंबर एक, तरबूज। गर्मी में राहत पाने के लिए आप तरबूज का सेवन जरूर करें। तरबूज में 91% से अधिक पानी होता है, ऐसे में यह आपके शरीर की पानी की ज़रूरत को पूरा करने में मददगार होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। स्वादिष्ट और पानी से भरपूर यह फल गर्मियों में जितना खा सकते हैं उतना खाएं। यह आपको गर्मी की तपन से बचाएगा और शरीर को हाइड्रेट रखेगा। आप चाहे तो इसका पूरा जूस भी पी सकते हैं। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपको तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, ये सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर दो, खीरा। खीरा फाइबर से भरपूर होता है, खीरे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी भी होता है, इसलिए गर्मी में इसका इस्तेमाल करें। आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसमें मौजूद पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और स्किन में जान डालता है। सबसे बेस्ट पार्ट, आप इसे कभी भी खा सकते हैं। इसे खाने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं, आप चाहे तो इसका जूस भी पी सकते हैं। ये आपके स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर तीन, प्याज। गर्मी के दिनों में प्याज किसी अमरुद से भी कम नहीं है। प्रतिदिन भोजन में प्याज को शामिल करें और कहीं बाहर जाने पर अपने साथ एक छोटा प्याज रखें। आप गर्मी में प्रकोप से बच सकते हैं, यह लू लगने से आपको बचाएगा। लू लग जाने पर या फिर गर्मी के कारण होने वाली अन्य समस्याओं में प्याज को पीसकर पानी में डालें और इस पानी में पैर डालकर बैठ जाए, इससे बड़ी हुई गर्मी और लू उतर जाएगी। हाथ की हथेलियों पर भी इसे मलना फायदेमंद होगा। नंबर चार, दही। दही या उससे बनी लस्सी, मट्ठा, छाछ का सेवन करने से पेट और आंतों की गर्मी दूर हो जाती है, कब्ज और गैस जैसी बीमारियों में राहत मिलती है, डाइजेशन अच्छी तरह होता है। दही को खाने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ सौंदर्य निखारने के लिए भी अच्छा स्रोत माना जाता है। ध्यान रहे, छाछ और दही सिर्फ आप दोपहर में पी सकते हैं, शाम के वक्त पीने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। नंबर पाँच, नींबू। नींबू में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम तत्व होते हैं, साथ ही प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में है। लू से बचने के लिए नींबू को काले नमक वाले पानी में मिलाकर जरूर पिए। दिन भर तरोताज़ा रहने और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू रस व एक चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। एक बाल्टी पानी में एक नींबू का रस मिलाकर गर्मियों में नहाने से दिन भर ताजगी रहती है। गर्मी में हैजे से बचने के लिए नींबू को प्याज व पुदीने के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए।